क्या नाम है आपका? मेरा नाम चंद्रशेखर है। कहाँ के रहने वाले? मैं दिल्ली का ही हूँ और जयपुर में ही। क्या क्या तकलीफ हो रही थी जब आपने विजिट करा था फर्स्ट टाइम यहाँ पे? मुझे जो है बहुत हरारत रहती थी बॉडी के अंदर, बहुत परेशानी सी थी, हाथ पैरों में थोड़ा दर्द रहता था, पैरों में सूजन रहती थी। डॉक्टर से भी एक बार चेकअप कराया तो पता चला ये क्रिएटिन बढ़ी हुई है, तो खराब हो रही है किडनी। उसके बाद यहाँ आए, पहले 2 महीने का कोर्स किया था तो थोड़ा आराम हुआ, नॉर्मल से थोड़ा सा ऊपर थी। उसके बाद फिर आए, 3 महीने का कोर्स किया, अब मैं नॉर्मल। क्रिएटिनिन कितना है अभी आपका? मेरा क्रिएटिनिन 1.09 है। 1.09? अच्छा, जो बिल्कुल ठीक है। और डॉक्टर साहब ने बोला है कि भैया। और ये टेस्ट आपने कहाँ से कराए हैं? ये लाल टेस्ट से कराए हैं। अच्छा, तो इससे पहले आपने नेफ्रोलॉजिस्ट से भी कंसल्ट किया हुआ, उन्होंने आपको कुछ सजेस्ट किया हुआ? नहीं नहीं, मैं ट्रेंड में रहता है, मैं सीजीएचएस में बेनिफिशियल हूँ, तो उन्होंने बोला कि हमारे पास इसका कोई इलाज नहीं है। अच्छा, ले आ जा फिर, आपको अपना ये जैसा भी है इसको कंट्रोल करो। उन्होंने तो ऐसा कोई नेगेटिव वो दिया था। अच्छा, असल में पहले ही क्रिएटिनिन लेवल पहले ही स्टिम बढ़ा हुआ था। जब हम शुगर मतलब स्पेशलिस्ट आते हैं ना, उनको दिखाते हैं, तो उन्होंने कुछ वैसे अलर्ट नहीं किया इस मामले को लेकर। जैसे अगर पहले से अलर्ट कर देते तो हो सकता आज मतलब ठीक हो चुके होते हैं। जैसे 3-4 महीने लेट ही हो गया मामला, जिससे और क्रिएटिनिन लेवल बढ़ गया इस दौरान। तो अभी जो आपने जो सी जी एच एस और आपको क्लियर कर दिया, कौन से हॉस्पिटल में दिखाया था आपने? उन्होंने आपको बताया कि ये जो है आपका इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं है। हाँ, बस ऐसा क्लियरली बोल देता हूँ, क्योंकि ऐसा जनरली बोलते नहीं है, वो बस इधर उधर ये दवाइयाँ खाओ, दवाइयाँ खाओ, मतलब एलोपैथी में इतना इफेक्टिव नहीं है इसलिए उन्होंने कहा। ये इन्होंने रिपोर्ट्स कराई थी एंड दिस वाज ऑन 4th of March 2018 आरोग्य पैथ केयर से। 1.62 क्रिएटिनिन था और दे अप्रोच्ड अस एट द राइट टाइम। 1.62 क्रिएटिनिन चंद्रशेखर और 4 मार्च 2018। उसके बाद फिर रिपीट कराई इन्होंने 7 मई 2018 को एंड द क्रिएटिनिन वाज अबाउट 1.35, रिड्यूस हुआ 1.35 की रेंज में आया। फिर इन्होंने एक और बार आप रिपीट कराई है और अभी जो इन्होंने कराई है 16 अगस्त 2018 को, और इसके अंदर जो क्रिएटिनिन है वो गया 1.09। डॉक्टर लाल पैथ लैब की रिपोर्ट है और ये आपने अपने नियर बाय से कराई है जी। नॉर्मल की रेंज में आया है, वन ऑफ द प्रेस्टिजियस लेबोरेटरीज की रिपोर्ट है और 1.09 की रेंज हो चुकी है, विद इन नॉर्मल रेंज आ चुका है क्रिएटिनिन इनका। और ये रिपोर्ट्स देखने के बाद इनको क्लियरली एडवाइस कर दिया गया था कि इसका ट्रीटमेंट नहीं है, दिस इज अ प्रोग्रेसिव डिजीज। तो आज आपके सामने चंद्रशेखर जी, जिनका क्रिएटिनिन बिल्कुल नॉर्मल हो चुका है, विद इन नॉर्मल रेंज आ चुका है, और ये रिपोर्ट्स भी कह रही हैं, और जो इनको फिजिकल लेवल पे प्रॉब्लम हो रही थी वो भी सारी सबसाइड हो चुकी है। तो इस चीज का ध्यान रखेंगे, अगर क्रिएटिनिन बढ़ना शुरू हुआ है, बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ा है, स्टेज 1 स्टेज 2 स्टेज 3 पर भी है, तो तुरंत उसको वेट नहीं करेंगे स्टेज 5 तक जाने की। स्टेज 5 पर भी रिजल्ट आते हैं, बट स्टेज 5 तक जाने में, रिजल्ट आने में इट माइट टेक सम टाइम एज कम्पेयर टू व्हाट द रिजल्ट माइट टेक टाइम एट द स्टेज 3 ओनली। तो चंद्रशेखर जी ने समय रहते शुरू किया, ट्रीटमेंट शुरू किया और समय रहते ही इलाज इनको मिला और टाइम रहते ही सारी चीज़ें ठीक हो गई और क्रिएटिनिन जो है वो आज की डेट में वो विद इन नॉर्मल रेंज आ चुका है। स्टॉप किडनी डायलिसिस। हमारा पता है G20 NDM 1 प्लॉट नंबर B234 अपोजिट NIMS नेताजी सुभाष प्लेस पीतमपुरा न्यू दिल्ली 110034। हमारे फोन नंबर्स हैं 09871712050, 011-4264-4274। हमारी ईमेल आईडी है doctor@karmaayurveda.com। अधिक जानकारी के लिए आप हमारी वेबसाइट www.karmaayurveda.com पर लॉग ऑन भी कर सकते हैं।